यातायात पुलिस द्वारा ऑटो चालकों दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत वाहनों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। दस्तावेजों के अभाव में जुर्माना वसूलने के साथ वाहनों को जब्त करने की भी कार्रवाई की जा रही है। यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विभाग द्वारा ऑटो चालकों और दोपहिया चालकों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है। प्रत्येक चौराहों में विभाग के जवान ऑटो चालकों को रोककर उनके दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। आधा अधूरा दस्तावेज अथवा दस्तावेज नहीं पाए जाने पर जुर्माना वसूलने के साथ ही ऑटो जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही दोपहिया चालकों के वाहनों के कागजात भी चेक करे जा रहे हैं, इनसे भी जुर्माना वसूला जा रहा है। कार्रवाई को देखकर ऑटो चालकों के साथ ही दोपहिया चालक भी अपने वाहनों को आधे रास्ते से मोड़कर पुलिस को चकमा देने में लगे हुए हैं। इस कार्रवाई की जानकारी विभाग के एएसआई ने दी। ये ऑटो का है, ऑटो का अगल बगल सवारी नाच बैठा है, वर्दी लगाए हैं, उसके परमिट वर्मिट चेक हो रहा है। ऑटो का कार्रवाई अभी श्रीमान माननीय डीएसपी महोदय के आदेश अनुसार कार्रवाई आज ऑटो का किया जा रहा है। एवं दोपहिया वाहन तीन सवारी बिना नंबर के बहरहाल यातायात पुलिस की चालानी कार्रवाई जारी है। वहीं शहर के चौक चौराहों में यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। इस पर भी विभाग के अधिकारियों को ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।